बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने आज के मेहमान ख़ास प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खान साहब, जो सात समंदर पार आए हुए हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं, और साथ प्रोफेसर रफ़ीकी साहब यहाँ पे बैठे हुए, प्रोफेसर कासिम साहब, बेदार क्रीम बेदार साहब, मेजर जमरूद साहब और दाऊद खान, सबका नाम अगर मैं नहीं ले जाए तुम्हारा नाम नहीं, लोगों के अच्छे बाल बनाए हैं ना, तो आशिफ बलोच साहब, बासित हमाद एंड वहाँ पे असकर गुल, असकर गुल साहब, करीम सालम सदी, बिलाल बिलाल खान, सबको खुश आमदेद कहता हूँ। और मैं खुश भी हूँ जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइब्रेरी हमारा सोच में था, कि क्योंकि लाइब्रेरी ही वाहिद जगह है जहाँ रंग नस्ल जबान जेंडर से बालातर, अगर मैं एक सी पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर बनाता तो इतने सारे लोग नहीं आते। पॉलिटिकल का मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल का पार्टियाँ बुरी है या गलत काम है, क्योंकि हम पोलराइज सोसाइटी में रह रहे, तो लाइब्रेरी ऐसी जगह है ना किसी को रोक सकते हैं ना कोई दूसरा बंदा एजिटेशन महसूस करता है कि मैं इस बिल्डिंग में जाऊँ मुझे किस नज़र से देखा जाएगा ना। तो खुशी होती है कि इतनी मुख्तलिफ मिजाज और मुख्तलिफ फिक्र के लोग, मुख्तलिफ जबानों के लोग बैठे हैं। ये वो जो खान साहब ने कहा कि हड्डी जोड़ से दिल जोड़ की तरफ मैं आया हूँ। और एस डी एम के शहीद बाज मोहम्मद काकर फाउंडेशन का यही एम था कि कोयटा में खसूसन कोई ऐसा जगह नहीं है, जैसे भाइयों ने बोला कि पहले बुक शॉप्स होते थे, होटल होते थे, लोग बैठते थे, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन फ्रॉम द लास्ट टू डिकेड्स स्पेशली सोसाइटी कोयटा इतनी खून खराबे का शिकार हुआ कि सैकड़ों लोग शहीद हुए, कत्ल हुए, अगवा बराए तावान। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि इसमें कमाई नहीं है, इस अगर इसकी जगह मैं मेहमान खाना बनाता या कोई कैफे खोलता तो मैं पैसे भी कमाता, आप लोग भी आते थे चलो चाय पियेंगे कॉफ़ी पियेंगे, मगर वो ये माहौल नहीं होता था कि आज सब हमारे साथ बैठे हैं। दूसरा ये है कि लिखने का इम्पोर्टेंस, मैं क्योंकि मैं खुद मेडिकल साइंस का तालिबे इल्म हूँ, मैंने खुद रिसर्च आर्टिकल मुख्तलिफ जर्नल्स में नेशनल और इंटरनेशनल में शाये हुए, एक मेरा ऑस्टियोपोरोसिस पे मेरे आर्टिकल जर्नल ऑफ सिंगापुर में शाये हुआ है, और पाकिस्तान के जितने भी एथेंटिक जर्नल उसमें शाये हुए। इस लाइन में बस हालात की जिब्र ने धक्का दे दिया, तो वो राइटिंग पावर के से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ कि राइटिंग का लिखने का कितना इम्पोर्टेंस है। मैं छोटा सा मिसाल देता हूँ, मिसाल ही है, ये ट्रूथ है। मैं बस करें मैं तो हूँ डॉक्टर, ये बच्ची स्टॉप एंड नर्स है वार्ड में ना, मैं बच्ची को कहता हूँ सिस्टर बेड नंबर फोर ये जो पेशेंट है वार्ड नंबर सिक्स, बेड नंबर फोर वार्ड नंबर सिक्स को एक सुसिगान इंजेक्शन लगा दो। मैं निकल गया, इमरजेंसी में गया, पिछलेटर में गया, तो जैसे ही मैं पहुँचा 10 मिनट के बाद सिस्टर का फोन आता है, सर मरीज बेहोश हो गया। कैसे भी उठ गई सिस्टर, ठीक मरीज था, उसके दर्द हो रहा था। जब मैं बाग बाग के आता हूँ देखता हूँ, मैंने क्या एडवाइस किया था, बेड नंबर फोर वार्ड नंबर सिक्स, ये बात नोट, बेड नंबर फोर वार्ड नंबर सिक्स। जब मैं आता हूँ मरीज वाकई बेहोश है, देखता हूँ क्या हो गया, रिपोर्ट पर देखता हूँ सिस्टर ने क्या किया, बेड नंबर सिक्स वार्ड नंबर फोर। यू अंडरस्टैंड? यस यस। अब मेरी गलती देखो, लिखने का पावर बता रहा हूँ, यूरोप क्यों आ गए, वो हर चीज़ लिखते हैं, अपने कहानी लिखते हैं। यहाँ पे हम बैठे हुए चिकन के बैठे हुए अगर हम अपनी अपनी कहानियाँ लिखते, अगर ये लड़की साहब अपनी कहानी लिखे, मतीन साहब लिखे, कासिम साहब लिखे, पैदार साहब लिखे, इस लाइब्रेरी में लिखे, बेशक 10 पेजेस पे हो, मेरे गलती क्या था, मुझे रजिस्टर वहाँ पड़ा होता है, उसमें सिर्फ मैंने लिखना है ऑर्डर बेड नंबर फोर वार्ड नंबर सिक्स, तो सिस्टर देख लेती थी। ये गलती कभी भी नहीं होती, ये हमारे साथ रूटीन में हो रहा है, और लिखने के सिर्फ पावर बता रहा हूँ। अब आता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मेरे एक उस्ताद है प्रोफेसर तिसी नमत चीमा, बावलपुर में होते हैं, इतना बड़ा नाम है माशाल्लाह के
वो अमेरिका जाए तो अमेरिकन की जो ऑर्थोपेडिक की जो बिग गन्स होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं ना, उसके लिए कमाल है कि अगर उसका किसी का अंगूठा थम जाया हो जाए तो वो अंगूठा उठा के इधर लगाता है, ये पाकिस्तान में। हाँ, ट्रांसप्लांट तो बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे वेसल के भी। 2014 में मैं हज गया था, हज भी मैंने ये गेटा बनाया, बाल चिन्ह करवाया, इधर छोटा पिन छोड़ दिया। वो जो उसकी कबाली इस पर थी उसमें मैं नहीं जाता हूँ, जो मेरे मतलब उस्ताद के अल्फाज है हज से वापसी के। कराची मेरी टोटल में हमारे एक इंटरनेशनल ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये जो मेरे मतलब उस्ताद है अभी जिंदा इंशाल्लाह कभी आएगा कोई टाइम विजिट करेगा यहाँ पे। जैसे हर स्पेशलिटी में एक मल्की लेवल पे एक अथॉरिटी होती है, एक बंदा वो अपना ओपिनियन देता है। हमारे यहाँ तरह के प्रोफेसर चीमा है तो मुझे दूर से देखता है, बोलता भी बहुत कम है, लंबा हाइट है, दूर से देखते हैं ये लाल अलग भी ऐसी लाल बड़ी दम शुरू ना फैसिलिटी बनाया। मैंने कहा सर बस आप हाथ सर पे वो कुछ करेंगे। खैर 2014 गुजर गया, 2015 गुजर गया, 2016 में ये बदबख हुआ क्या हुआ जिसमें हमने 72 भाई खो दिए। तो फिर आते आते फाउंडेशन बन गया, लाइब्रेरी बन गई, लोग आ रहे। मैं खुद तो दानश्वर के नज़दीक से भी नहीं गुजरा हूँ, दानिश के नज़दीक से भी नहीं गुजरा हूँ, मगर शुक्र है खुश हूँ कोई ऐसे छोटी सी कमरा छोटा सा जगत बना दिया जहाँ आज देखो दानश्वर बैठे हुए, राइटर बैठे हुए, शायर बैठे हुए आ रहे हैं। तो मैंने कहा जब वो सर आएगा मैं इसको बता दूँ सर आपकी बात तो साबित होगी, मैं दानश्वर तो नहीं बन सका खुद ना, मगर दानश्वरों के इर्द गिर्द दानश्वर के अराउंड में सारा दिन मेरा गुजरता है ना। अब थोड़ा सा मैं इकबाल, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सर ने बात की है कि नौ नवंबर खत्म किया, दूसरे लोगों ने बात किया ना, मतलब हजरत अल्लामा इकबाल इसमें मेरे जाती तो भी दूसरी कोई राय नहीं है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल के राइटर शायर है। मतलब वो पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान में पढ़ा जाता है, याद किया जाता है। तो ये इतना छोटा क्यों हो गया? जैसे उमरगुल अस्कर साहब चले गए नमाज पढ़ने, ओके ठीक है, उसने बोला पाकिस्तान के 22 करोड़ में से 22 लाख लोग भी नहीं पढ़ते। उसकी मेरे ख्याल से मुमकिन है मैं गलत हूँ, जैसे रफीकी साहब मिला बलुचिस्तान में खसूसन, उसके एक रीज़न है जो मैं देखता हूँ, जो मेरे 50 साल उम्र है। एक तो हुकूमतों ने एक गलती की है कि बलुचिस्तान, पश्तूनख्वा या दूसरे सूबों में पंजाब भी कोई खास नहीं पढ़ा जाता है। पंजाब का थोड़ा मसला ये है कि सारे पॉपुलेशन पंजाब का ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट में, आर्मी में, इदारों में, हर चीज़ में उसका वो है, उसको ये एहसास नहीं है कि हम हमारी जबान हमारे चीज़ कहना क्यों पंजाबी सबसे ख़त्म हो गया तकरीबन। असल में जो हुकूमतें हैं हमारे उन्होंने जो दूसरी जबानें हैं उनके शोरा है, उनके राइटर्स हैं, उनको इतनी अहमियत नहीं दी। जैसे आपने बोला एफ सी वाला लड़कियों को पकड़ता है तो वो मुझसे बोला कि इकबाल को गाली देता है, इकबाल बेचारे के क्या कसूर है? मेरे ख्याल से जब तक जो दूसरी जबानें हैं, पश्तो है, बलोची है, सिंधी है, सराइकी है, गिलगिती है, दूसरे उनकी हकूमत उनके जो शोरा है, राइटर्स है, उनको इतना अहमियत नहीं दे दे जितना मैं किसको इकबाल बेचारे को भी नहीं दिया, ना उनका छुट्टी भी ख़त्म कर दिया कि मैं क्या बोलूँ ना अहमियत। तो फिर मतलब शायर तो शायर होता है, शायर कभी नफरत करता नहीं है, राइटर कभी नफरत नहीं करता है, ठीक है ग्रोन रिलेटिव मुताबिक चीज़ें बयान करता है, और शायर तो शायर पाक होता है। अगर खलील गिब्रान शायर है पूरी दुनिया के लिए, अगर दूसरा जो शेक्सपियर है उसकी किताबें हम भी पढ़ते हैं, अलामा इकबाल का पर्शियन भी पढ़ते हैं, हालांकि पंजाब कश्मीरी है। तो मेरे ख्याल से जो अलामा इकबाल को छोटा करने में आवाम का इतना हाथ नहीं है जितना हुकूमत का हाथ है। बिल्कुल सही, और क्योंकि वो जो बच्चा रिएक्शन करता है ना उसके जहन में एक चीज़ है। अभी मैं आपसे वो करता हूँ सवाल या तर्स भी आपसे पूछता हूँ, क्या बशाकान छोटा शहर था, क्या रहमान बाबा छोटा शहर था, क्या हमजा बाबा छोटा शहर है, क्या मीरपुर खान नसीब छोटा शहर था? अगर वाकई इन बच्चों बलुचिस्तानियों का या पश्तूनों का या किसी का उसने दिल जीतना है और उसके दिल में बगैर पढ़े इकबाल का इज्जत करवाना है
So they must give respect to their own writers, own language, own culture. ये बच्चे का कसूर नहीं है जो मुर्सी में बाकी इकबाल इकबाल को देखा है ना पढ़ा है गाली देता है वह बेचारे की क्या कसूर इकबाल को इन लोगों ने इतना छोटा कर दिया कि एक रागीर मुर्सी पे एफसी वाला पकड़ता है उसको गाली बेचारे हजरत अल्लामा इकबाल को मिलता है तो मैं बस मुख्तसर करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बातें भी नहीं करूँगा क्योंकि हमारे साथ दोस्त भाई दूर से आए और आज किताब भी उन्होंने लिखी है किताब की रोनवाई भी होगी और मुझे कितनी बड़ी फ़ख्र है कि एक बंदा जो इतने बड़े आलम पे हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की किताब लिखता है और हमारी लाइब्रेरी में इसकी इफ्तिताह होती है इसके लिए मेरे साथ खूब ताज्जुब था थैंक यू बहुत शुक्रिया जनाब वकील अहसन काकर साहब ज़रा ख्याल फरमा रहे थे मैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फॉर मोर अपडेट Please press the bell icon and stay tuned.